एपीएस देओल बने पंजाब के नवे एडवोकेट जनरल। अतुल नंदा की लैणगे थां। कमेद सैनी समेत बेअदबी ते गोलीकांड च नामजद अफसरां दे देओल ने लड़े ने केस। एपीएस देओल नूं एडवोकेट जनरल नियुक्त करन ते विरोधियां ने चुके सवाल। कुरताल संधवां बोले, सैनी दा बचाव करन वाले नूं किवें बना दिता एडवोकेट जनरल। सीएम चन्नी दा अफसरां नूं सख्त सुनेहा। मेरी निम्रता नूं ना समझा जावे कमजोरी। भ्रिष्ट अते अणगहली करन वाले अफसरां ते होवेगी कारवाई। अफसरां तों 100 दिन दा मंगिया रोडमैप। दीप सिद्धू बना रहे ने वारिस पंजाब दे नाम नाल नवा मंच। 2022 दीयां चोणां च उतर सकदे ने दीप सिद्धू। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा च पुछया अजीब सवाल। गृह मंत्री अनिल विज दी पुछी खासियत। सिलेक्शन कमीशन ते उठण लगे सवाल। सत श्री अकाल। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब के नवे एजी दे नाल। एपीएस देओल पंजाब दे नवे एडवोकेट जनरल बने ने। पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन उन्हां दे नाम दा जारी कर दिता है। न्यूज 18 ते एक्सक्लूसिवली गलबात भी एपीएस देओल दे वल्लों कीती गई है। न्यूज 18 ते एजी एपीएस देओल ने कहा कि पिछले एजी सुनवाई ते आउंदे ही नहीं सी ते मैं बेअदबी नाल जुड़े मामलों की पैरवी नहीं की है। हुण पंजाब दे विच बाहरों वकील नहीं हायर किए जाएंगे। देओल ने कहा एजी दफ्तर दे विच वर्क कल्चर बदलांगा। तो एपीएस देओल अतुल नंदा दे नाल दस दईए कि बेअदबी समेत कई केस जो ने वो लड़ चुके ने। सुमेत सैनी समेत बेअदबी तो गोलीकांड च नामजद अफसरां दे देओल ने केस लड़े ने। यही कारण है कि उन्हां दी नियुक्ति दे उपर सवाल भी विरोधियों के वलों खड़े किए जा रहे हैं। विरोधियों के वलों सवाल ये कह के खड़े किए जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति दे वलों जिस शख्स दे वलों वकील बन के सैनी का बचाव किया गया है वो आखिरकार एडवोकेट जनरल किस आधार के उत्ते लगा दिता गया है। विरोधियों ने सवाल चुके ने। कुलतार संधवा ने कहा सैनी का बचाव करने वाले एडवोकेट जनरल किवें बना दिता गया है। तो फिलहाल एपीएस देओल नूं एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिता गया है। उन्होंने नाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एजी साहब मैं कोई केस नहीं हराया क्योंकि वो पहले एजी साहब कदे पेश ही नहीं हुए तो इस करके वो तुसी बहुत वधिया गल कह रहे हो। नहीं मैं सरकास्टिकली नहीं कह रहा। वो नहीं उन्होंने अपना तरीका से मैं तो कम ही करता जी। मैं सारे केस आप लड़ा रहा ही नहीं जाता। मैं तो कचहरी जाए बिना कोर्ट च अपीयर होए बिना। दो तरह दियां उस गल्लां सीगियां। एक तो है सैक्रिलेज दे केसिस जिहड़े के बेअदबी केस है वो 3 FIR वो एक अलग आ। ये जिहड़े केस मैं सैक्रिलेज दे केस नहीं कदे कदे गवर्नमेंट के खिलाफ पेश होया। मैं तो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर चो अराइज जिहड़े दो केस होए सी उहदे च एक बंदे दी नुमाइंदगी कीती सी। इस करके वो केस हुण ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस करके हुण उहदे च कोई मेरा ज़्यादा रोल भी नहीं रह गया सी। इस करके मैनू उहनां केसां नाल कोई टैग करन दा उहदे च कोई हुण बाकी मुद्दा वापस रह नहीं गया। चन्नी साहब ने एक नवा ही शगुफा करता जेड़ा कि कानूनन भी ठीक नहीं है। जिथे कन्फलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की गल भी बनती है। सुमेध सैनी का वकील जिन्हें उन्हू बेल दवाई उन्हू एडवोकेट जनरल ला दिता गया है कि असी हुण उम्मीद कर सकते हैं कि जेड़ा मुख शक्की होवे जिहदे ते पूरा वड्डा शक होवे कि गोली चलाउण दा हुक्म उस वेले दे डीजीपी तो थले नहीं आया होना उस डीजीपी दे वकील नूं एडवोकेट जनरल ला के कि असीं उम्मीद कर सकदे आ कि बेअदबी दे जिहड़े सही दोषी आ जां बेअदबी दे विच सानूं न्याय दी कोई उम्मीद रहि गई है। अमरप्रीत सिंह देओल जी कोटकपुरा गोलीकांड दे जिहड़े आरोपी ने उन्हां दे वकील ने एक तरफ ते कांग्रेस की सरकार लगातार यह कहती रही कि असीं इंसाफ देवांगे असीं बेअदबियां दा इंसाफ देवांगे असीं गोलीकांड दा इंसाफ देवांगे और दूजे पासे उन्होंने रूपियों के वकील में एडवोकेट जनरल लगा के कांग्रेस ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि उसके लिए मुद्दा सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकन तक ही है। इंसाफ देने की उन्होंने कोई मंशा नहीं है।
इधर नवे एजी एपीएस देओल नियुक्त कर दिया गया है, पर नाल ही उन्हां दी नियुक्ति ते विरोधियों के वलों सवाल भी चुकने शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल अगे वधदियां गल करदे आं नवे सीएम दी। चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम दी कुर्सी संभालण तो तुरंत बाद ही अफसर शाही ते शिकंजा कसना शुरू कर दिता है। अफसरां दे नाल मीटिंग दौरान सीएम चन्नी ने सख्त सुनेहा दिंदिया कहा कि उन्हां दी निम्रता नूं कमजोरी ना समझा जावे। देखो रिपोर्ट। पंजाब दे विच नवा सीएम है, नवा निजाम है, नवा संदेश है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने अफसरां दे नाल मीटिंग कीती अते पहली ही मीटिंग दे विच अफसर शाही दे लई नवे निर्देश भी जारी कर दिते। मुख्यमंत्री ने अफसरां नूं दो टुक लहजे दे विच काम करन दे ढंग तरीकियां बारे समझा दिता। मुख्यमंत्री ने अफसर शाही नूं कहा, मेरी निम्रता नूं मेरी कमजोरी ना समझा जावे, भ्रष्टाचार ते लापरवाही बर्दाश्त नहीं होवेगी, पारदर्शिता ही मेरी तरजीह है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करना होवेगा, आम लोगों के कामों नूं पहल देनी होवेगी, जात धर्म के आधार से बिना भेदभाव किए काम करने होंगे, इंसाफ देना पवेगा। मुख्यमंत्री ने अफसर शाही नूं यह भी स्पष्ट कर दिता कि वह अपने थोड़े जे स्रोतों के नाल खुश ने। वह चाहते ने कि अफसर शाही सख्त मेहनत करे, इस तों बिना उन्होंने होर कुछ भी नहीं चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि जे कोई मेरा नाम लैके तुहाडे तो गलत काम करवाउण आउंदा है तां तुसीं बिना झिझक मेरे नाल संपर्क करो अते उसनूं मेरे कोल लैके आओ। सीएम ने अफसर शाही नूं यह भी नसीहत दिती है कि मंत्रियों विधायकों ते चुने हुए नुमाइंदियां दा मान सन्मान करना होवेगा, पर गलत काम किसी का भी नहीं करना। सीएम ने थोड़े समय का हवाला दिंदिया यह याद करवा दिता कि समा बहुत घट है अते पूरी समर्था दे नाल काम करना होवेगा। मुख्यमंत्री दीआं हदायतां दे बाद मुख सकत्तर अनिरुद्ध तिवाड़ी ने कहा कि तुसीं स्पष्ट संदेश दे दिता है जिस नाल लाइन साफ हो गई है अते उम्मीद है कि सारे अफसरां ने इस नूं चंगी तरह सुण ते समझ लिया होवेगा। मुख्यमंत्री दे वल्लों अफसर शाही नूं दित्तियां इह हदायतां इस लई भी अहम हो जांदियां ने क्योंकि कैप्टन सरकार दे वेले अफसर शाही दे हावी होण दीआं चर्चावां आम हुंदियां रहियां ने। चंडीगढ़ तों पंकज कपाही, न्यूज़ 18। नवे मुख्यमंत्री दे वल्लों अफसरां नूं दो टुक कह दिता गया है कि निम्रता नूं कमजोरी ना समझा जावे। उधर पंजाब दे नवे मुख्यमंत्री ने चोणां तों पहलां लोकां दे नाल नज़दीकियां वधाउण दी कवायद भी शुरू कर दिती है। एक नवी कोशिश दे नाल मुख्यमंत्री ने हुक्म जारी कीते ने कि सारे कौंसलर सरपंच लोकां दीआं समस्यावां हल करवाउण दे लई उहनां नूं सीधा आ के मिल सकदे ने ते सकत्तरेत विच उहनां दी आसान एंट्री लई उहनां नूं एंट्री कार्ड भी जारी होणगे। पंजाब का निजाम बदलिया तो हुण पुरानियां व्यवस्थावां नूं हौली हौली बदलिया जाण लग्या। पहलां शिकायतां सन कि मुख्यमंत्री तक जनता की गल नहीं पहुंचती, पर हुण अजिहा नहीं होवेगा। पंजाब की सत्ता ते काबज़ होए मुख्यमंत्री चन्नी ने इस समस्या नूं दूर करन दे लई ते आम लोकां दी खुद तक पहुंच दे लई सारे सरपंचां ते कौंसलरां दे सकत्तरेत दे विच एंट्री पास बनाउण दा फैसला लिया। इस पास के जरिए सरपंच ते कौंसलर अपने पिंड दे लोकां दीआं समस्यावां नूं सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकणगे। जिहड़े साडे पंचायत दे सरपंच होण, जिला परिषद मैंबर होवे, ब्लाक समिति मैंबर होए, चुनिया होया कौंसलर होवे, चुनिया होया मेयर होवे, जां कोई भी इहदे नाल संबंधित जिहड़े चुने नुमाइंदे है उह किसे भी पार्टी दा होवे, उह सैक्रटेरिएट दे तक अप्रोच करे, उह डिप्टी कमिश्नर SDM नूं इस गल वास्ते अलाउ कर दिता गया है कि उन्हां दे पास जिहड़े है वह बना के दे और वह पास जिहड़े है वह सैक्रटेरिएट होने वास्ते उन्हां नूं अलाउ। सरकार दे इस कदम दा सरपंच ते कौंसलरां ने स्वागत कीता ते उन्हां नूं भी लगता है कि इस फैसले दे नाल वह अपने पिंड दीआं समस्यावां नूं मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकणगे। पंजाब सरकार ने बहुत ही वधिया उपराला किया जिन्होंने MC सरपंचां वास्ते सीधी एंट्री कर दी करती है। हुण जिहड़ा साडा सारा दिन टाइम लगता सी वह टाइम साडा वेस्ट नहीं होगा। MC सरपंचां जां मैंबरां वास्ते बहुत ही लाहेवंद होगा। मैं पंजाब सरकार का तहे दिलों धन्यवाद करदा। पंजाब सरकार की जो पलेठी कैबिनेट मीटिंग हुई है ये चन्नी गौरमेंट जी ने बहुत वधिया फैसला लिता है जो कि पिंडां दे पंच सरपंच कौंसलर ते MC साहिबान कोई भी आ किसी भी दफ्तर यानी कि जिमें सैक्रटेरिएट चंडीगढ़ वगैरह जाते उन्होंने बहुत मुश्किल आदि सन
उत्थे जा के आई कार्ड वगैरह बनाते सके उन्हां च बेचारे कुछ जो नहीं नॉलेज रखते उन्हां नूं बड़ी समस्या आउंदी सी। अज पंजाब कैबिनेट ने जो बहुत वधिया शलाघाजोग फैसला किया भी जिहड़े इह आई कार्ड न इह SDM लैवल ते बन के ही चले जाएंगे जिदे नाल सानू दफ्तरां विच आ रही समस्या जिवें कि असी DC ऑफिस जाना गा जां सैक्रटेरिएट जाना गा असी इत्थों पहलां बना के ही लैके जाया करांगे जो सानू कम कराउण विच आसानी होवे ते लोकां दे असी कम आसानी नाल करा सकीए। दरअसल कैप्टन सरकार दे विच अक्सर यही शिकायत हुंदी सी कि जनता की गल सरकार तक नहीं पहुँच पाउंदी। उम्मीद है कि हुण 77 दे विच प्रधान ते कौंसलरां दी एंट्री दे बाद अजिहा नहीं होवेगा, सरकार तक उन्हां दी गल भी पहुंचेगी ते समस्या दा समाधान होण दी भी उम्मीद रहेगी। चंडीगढ़ तों रोहित बंसल दे नाल पंकज कपाही, News 18 पंजाब। हुण गल करदे आं नवजोत सिंह सिद्धू दे सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा दी, जिन्हां ने 2022 नूं लैके वड्डा दावा कीता है ते उत्थे ही एक रुकावट दा वी जिक्र कीता है ते रुकावट नूं दूर करन दी वी गल आख रहे ने मुस्तफा। आखर ओह रुकावट केड़ी सी ते मुस्तफा दे दावे दे पिछे तर्क की है, इस रिपोर्ट दे राहीं देखो। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ, CM ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਊਟ ਹੋਏ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਤਫਾ ਇਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। मोहम्मद मुस्तफा ने लिखा कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। ऑपरेशन इंसाफ पूरा हो चुका है, थोड़ी देर जरूर हुई पर देर आए दुरुस्त आए। पंजाब नूं बचाउण लई इसनू मुमकिन बनाउण वालियां दा शुक्रिया, उपर वाला मेहरबान तां हर मुश्किल आसान। पूरा फोकस अते ऊर्जा हुण जित्तेगा पंजाब मिशन 22 ते। कांग्रेस फतेह मिशन 2022 विचली इको एक रुकावट दूर कर ली गई है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति दे विच कांग्रेस लीडरशिप के साहसी ते शानदार फैसले की वजह नाल पंजाब पंजाबी अते खास तौर पर कांग्रसी हुण मार्च 2022 च जित नूं लैके बेफिक्र ने। इस विच सब तो अहम नवजोत सिंह सिद्धू के हत्थां दे विच पंजाब कांग्रेस की कमान फतेह पक्की है। तख्ता पलटन के बाद जिथे मुस्तफा 22 नूं लैके आसवंद नजर आ रहे ने उत्थे असिधे तौर पर कैप्टन नूं टारगेट करके सिद्धू ते भरोसा जता रहे ने। खैर 22 दा ताज किस दे सिर सजदा है इह तां वोटर ही तय करनगे। ब्यूरो रिपोर्ट News 18 पंजाब। ते फिलहाल एक छोटे जिहे ब्रेक दे लई रुकदे आं, ब्रेक तों बाद वी खबरां दा सिलसिला जारी है।